आप अपनी शादी को रजिस्टर करोगे कमूने के अंदर, वाइट गोल्ड के आपको रिंग आप उसको पहनाएंगे, वो आपको पहनाएगी, आपको एक साल के अंदर ही आपको नेशनलिटी मिल जाएगी अगर आपका बेबी हो जाता है। हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं करता हूँ सब हैरिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये मेरे पीछे व्यू देखे माशाल्लाह, ये हमारे इलाके के अंदर बहुत ही प्यारी झील है जिसमें ये देखेंगे बतखें भी साथ हैं और साथ साथ मछलियाँ भी साथ हैं। शायद आपको ये कैमरे में सही नज़र ना आए लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर। हाँ जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको बताते हैं कि अगर आप इटली के अंदर यहाँ इटालियन से शादी करते हैं तो कितनी देर में आपको नेशनलिटी मिलती है और क्या कानून है यहाँ पर। बहुत दोस्त ये सवाल भी करते हैं और होगा भी सवाल कि यार अगर मैं इटली के अंदर आता हूँ, इटली के अंदर आके यहाँ पे किसी इटालियन लड़की के साथ शादी कर लेता हूँ तो मुझे कितनी देर में नेशनलिटी मिल जाएगी। सो आपको बताते हैं जनाब। देखें, अगर आप इटली के अंदर आते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इटालियन लड़की के साथ पहले से आपकी बात थी, अपनी कंट्री के अंदर थे आप, तो आप यहाँ पर आए हो, आपको यहाँ आके आपकी शादी हो जाती है। शादी देखें, एक तो तरीकाकार वो है जो कि नॉर्मल तरीका होता है अपनी कंट्री का, पहले एक तरीका तो वो है जिससे आप शादी करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जिस कंट्री में आए हो यहाँ पर इनका अदारा है कमूना, आप अपनी शादी को रजिस्टर करोगे कमूने के अंदर। वो कैसे करोगे, आप अपनी जो वाइफ है उसके साथ जाओगे, वहाँ पर वो बोलेंगे आपस में जो 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 बोलते हैं, वहाँ पर शादी को एक्सेप्ट किया जाएगा, दोनों से राय ली जाएगी, आपको पसंद है, आपको पसंद है, आपको जी पसंद है, पसंद है। वहाँ पे रिंग्स पहनाई जाएंगी, वाइट गोल्ड की रिंग होती है वो पहनाई जाती है, ऐसा मैंने एक शादी देखी भी है, वाइट गोल्ड की आपको रिंग आप उसको पहनाएंगे, वो आपको पहनाएगी, जब रिंग पहनाएगी कमूने के अंदर आपकी शादी को रजिस्टर कर दिया जाएगा। और जब कमूने के अंदर आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी और शादी होने के बाद, अगर बात यह कि जैसे ही आप शादी करते हैं अगर तो आपका बेबी नहीं होता, बेबी नहीं होता तो आपको दो साल के बाद नेशनलिटी मिलेगी इटली के अंदर, और अगर शादी के बाद एक साल के बाद ही आपका बेबी हो जाता है तो आपको एक साल के अंदर ही आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। अगर आपका बेबी हो जाता है तो एक साल के बाद ही आपको नेशनलिटी दे दी जाती है। तो ये है इटली का रूल, इटली का कानून कि अगर आप यहाँ पर शादी कर लेते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर नेशनलिटी मिल जाती है, और ये सबसे आसान वे है, सबसे आसान रास्ता है यहाँ पे। ये तो लक है अब आपकी कि किसको यहाँ पे लड़की मिलती है या किसको नहीं। बहुत से लोगों को मिली है, लड़कों को मिली है जिन लड़कियों ने शादी भी की है। बात यह है कि शादी करने के बाद आप किसी को धोखा ना दें, अपनी लाइफ को स्पेंड करें उसके साथ, अपनी लाइफ गुजारें अच्छे तरीके के साथ और हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। ये लोग कानून को फॉलो करते हैं और हम लोगों की आदतें ख़राब हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अच्छे तरीके के साथ रहें यहाँ पे, कोई भी गलत काम ना करें। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अच्छे काम करें ज़िंदगी के अंदर। नीयत अच्छी हो, नीयत आपकी साफ़ हो, नीयत अच्छी हो तो आपको हर चीज़ मिल जाती है जिसकी आप कोशिश करते हो, हर चीज़ मिल जाती है। दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। आप जिस चीज़ का इरादा कर लेते हैं, कर लेते हैं, अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप अपने सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो आपको वो चीज़ हमेशा मिल कर रहती है। ये बात मेरी याद रखिएगा, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ आपका होस्ट अदीज मील, अल्लाह हाफिज़।